हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। ये डीबीटी 2018 का पार्ट ए का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पार्ट बी की तरफ। तो इस वीडियो में जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू एक्सपेरिमेंट्स वेर कंडक्टेड विथ एन एंजाइम फॉलोइंग माइकल मेंटन्स काइनेटिक एज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ 0.5 ग्राम पर लीटर एंड 1 ग्राम पर लीटर। इफ द एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेज अप्रॉक्सिमेटली टू फोल्ड्स एट द हायर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, द Km फॉर द एंजाइम। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे Km क्या है। Km है एक सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है जिसपे Vmax हाफ हो जाता है। मेन फार्मूला जिसका है वी जीरो शिल इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। दिए गए वैल्यू को हम लोग फिगर में पुट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन 0.5 है, दूसरा कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर है। इस तरह के क्वेश्चंस ग्राफ से ही बनाए जाते हैं। पहला कंसंट्रेशन अगर मानते हैं 0.5 है, दूसरा 1 है, तो कहता है कि अगर वेलोसिटी x है 0.5 पे, तो अगर एक पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है टू फोर्स, तो ये 2x हो जाता है। Km 0.5 और 1 के बीच में ही अप्रॉक्सीमेट 1 के बीच में होना चाहिए, और जो ऑप्शन हमें दिया गया है वो है 0.001, ये इम्पॉसिबल है, 0.01 नहीं हो सकता, 0.1 ग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5। Km होता है कि एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे Vmax की वैल्यू हाफ हो जाए। अगर इसको फिगर से समझेंगे तो ये ग्राफ है जिसमें कि अगर वी जीरो यहाँ है, Km कहने का मतलब है कि यहाँ Vmax हाफ हो जाए। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पे इसका सही ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम इज रिपोर्टेड टू हैव Km 10 मिलीमोल Vmax 30 मिलीमोल। Assuming the Michaelis Menten kinetic, the reaction velocity at the substance concentration of 20 millimole will be. इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अभी हमने देखा है जो। तो उसी ग्राफ से ये फार्मूला निकालते हैं, V is equal to Vmax S Km plus S। इसको अगर फार्मूला पे पुट करेंगे तो V at 20 millimole हो जाएगा Vmax 30 millimole इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 20 मिलीमोल बाय Km 10 प्लस 20 प्लस 10 30 इंटू 20 बाय 20 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंडम नंबर जनरेटर प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर बिटवीन -1 to 1। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर प्रोड्यूस्ड बाय दिस जनरेटर इज बिटवीन 0.9 एंड 1। एक स्केल से इसको समझिए कि माना कि ये एक स्केल है, यहाँ 0 है, इधर -1, इधर +1। 0.9 का नाम स्केल से इसको समझते हैं। ये अगर 0 है, यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 और 1 के बीच में, करेक्ट, 0.9 और 1 के बीच में किस तरह से जनरेट करेगा। तो एक लाइन पर अगर ये 0 है तो यहाँ से 0.1, 0.2 मीन्स यहाँ पे 9 ऐसे भाग होंगे, 10 होंगे, और 10 इधर भी भाग होंगे, 10 भाग इधर, 10 भाग इधर, तो टोटल 20 पार्ट्स हुए। उसमें से 0.9 to 1 मतलब कि 1 पार्ट, तो 1 पार्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है टोटल 20 में, तो 1 बाय 20 इज इक्वल टू 0.05।
आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलोइज एक्टिविटी ऑफ सेवन बेसिलस स्ट्रेन, सात बेसिलस स्ट्रेन है जिसका मेन एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलोइज एक्टिविटी दिया हुआ है, 12 IU पर एम एल, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। मीन कहने का मतलब है कि प्रत्येक बेसिलस के साथ, इच बेसिलस, एक बेसिलस के पास 12 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल है, तो टोटल कितना हो गया एक्टिविटी, सात बेसिलस है 7 × 12 = 84। अब कहता है कि ए न्यू हाइपर प्रोड्यूसिंग बेसिलस आइसोलेटेड वाट फाउंड, अब एक नया बेसिलस मिला जिसकी अकेले की एक्टिविटी है 37 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल। अब नेक्स्ट कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ सुपर न्यूटेंट ऑफ 8 स्ट्रेन, अब सभी 8 स्ट्रेन को एक साथ लाया तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, पहले था 84 और बाद में एक का हो गया 36, और प्रत्येक का पूछ रहा है, हर एक का, तो बाय 8, ये हो गया 120/8 = 15। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मेमेलियन सेल ऑफ रेडियस आर इज इन्फेक्टेड बाय ए सिंगल कोकस बैक्टीरियम, कोकस बैक्टीरियम कहने का मतलब है कि ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, हैविंग 100 times स्मॉलर रेडियस, गिवन दैट द होस्ट सेल विल लाइज व्हेन हाफ ऑफ द 1/2 ऑफ द सेल वॉल्यूम इज टेकन अप बाय द बैक्टीरियम, अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी टाइम्स विल बैक्टीरिया डिवाइड बिफोर द होस्ट सेल लाइज। सबसे पहले ये बनाते हैं, एक होस्ट सेल है जिसका रेडियस एक स्मॉल बैक्टीरियल सेल है, अगर इसका आर है तो इसका 100 आर है, 100 times ग्रेटर है, या इसको कह सकते हैं 100 times स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम कितना है इसका, एक स्फेरिकल का, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr, होस्ट सेल का आर का वैल्यू क्या है, 100 आर, इसको लिखेंगे 4/3 πr³³, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ होस्ट सेल, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेल 4/3 πr³। अब हाफ वॉल्यूम तक निकालना है, हाफ वॉल्यूम कितना है, तो बाय 2 कर देंगे, इतना वॉल्यूम तक जब ये सेल आ जाएगा ये ब्रस्ट कर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में है, तो अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो इस वॉल्यूम में कितना सेल आ सकता है, इसको डिवाइड कर देंगे 4/3 πr³/2, इसको डिवाइड करेंगे 4/3 πr³, 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर क्यू, तो ये हो जाएगा 100 π³/2। नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना रह सकता है उसके हाफ वॉल्यूम में, तो 500,000 मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया उस होस्ट सेल में रह सकता है, जैसे ही डिवीजन में इतना पुर जाएगा वो सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे 4 πr, 100 आर है इसका वैल्यू, क्यू बाय 2, इसके हाफ में कितना रहेगा, तो बैक्टीरिया का कितना है वॉल्यूम, 4 πr³, ये कैंसिल, r³, ये हो जाएगा 100 to the power 3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 × 100 to the power 2/2, 50, ये हो गया 500,000। डिवीजन होगा इसका बाइनरी में, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8,
8 से 16, 1 से 2, 2 से 4, यहां से अगर काउंट करेंगे 2 टू पावर n से निकाल सकते हैं। आइदर से 2 टू पावर 19 होगा, 2 टू पावर 3 इंटू 10 पावर 5, 2 टू पावर 10 पावर 6 और 2 टू पावर 40। ये ऑप्शन जो है 3, ये हाईली बहुत ज्यादा होगा वैल्यू, ये नहीं होगा, इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा, या तो 2 टू पावर 19 होगा या तो 2 टू पावर 40 होगा। 2 टू पावर अगर 14 करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1.09 इंटू 10 पावर 10, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आता है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन यही होगा 2 टू पावर 19। फिर भी इसको एक क्रॉस चेक करते हैं, अगर 2 टू पावर 18 हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू आता है, हमने कैलकुलेशन किया है, इसका वैल्यू आता है 262144, 262144। ये 18 डिवीजन है, अगर एक डिवीजन और करेगा तो ये हो जाता है 524288। हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना था, 500,000, 500000, लेकिन ये उससे ज़्यादा है, मतलब ये 18 बार डिवाइड किया है। तो लेकिन हम लोगों ने 18 कहाँ से लिया है, 2 टू द पावर एन, यानी 2 टू पावर एन यानी कि 18 डिवीजन यहाँ के बाद से है। एक डिवीजन था उसका जब 1 से वो 2 हुआ था, एक डिवीजन यहाँ पर है, मतलब कि टोटल डिवीजन उसका 18 प्लस 1 19 डिवीजन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फेट कार्बोक्सिलेट सल्फोनेट आर इस्टर ऑफ फॉस्फोरिक कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक्स ओकर एट द एसाइल कार्बोलिन कार्बोहाइड्रेट, ये सही है। द न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ओकर्स एट द अल्काइल कार्बन इन द सल्फोनेट, ये भी सही है। द न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ओकर्स एट द ऑक्सीजन और फॉस्फेट इन फॉस्फेट, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइलिक जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप के तरफ जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो और फॉस्फोरस वो निगेटिवली चार्ज है, इस वजह से ये ऑप्शन इसका स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन द एसाइल कैरियर प्रोटीन इज, एसाइल कैरियर प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, तो ये समझते हैं कि एसाइल कैरियर प्रोटीन होता क्या है। ये है, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो को एंजाइम, अगर देखेंगे ए को एस एच ग्रुप होता है, को एंजाइम का देखते हैं, ये जो एस एच ग्रुप है यही इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरान इज, पायरान के 6 मेंबर होता है और उसमें एक ऑक्सीजन होता है हेटेरोसाइकिल, स्ट्रक्चर से समझते हैं, दो स्ट्रक्चर एक्चुअली यूज होता है, एक पायरान होता है दूसरा फ्यूरान स्ट्रक्चर होता है, इसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब टोटल मेंबर है 6 मेंबर रिंग है जिसमें कि एक ऑक्सीजन हेटेरोसाइकिल होता है। ये अच्छे से हम लोग समझ, इसको ऑक्साइन भी कहते हैं। आइसोमर जब आप फ्रुक्टोज का पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखे होंगे ये फ्यूरानोज है, फ्यूरान स्ट्रक्चर है और ये पायरानोज है, ये पायरान स्ट्रक्चर का रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन द फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री करने का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही कार्बन अटैच्ड हो, ये हो जाता है 2 डिग्री, अगर दो कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री, इस तरह से होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस ग्लूकोज में एक यहाँ एक ऐसा है जिसमें सिंगल एक कार्बन है और इससे अटैच्ड है, इसमें से एक कार्बन ये भी अटैच्ड है, एक कार्बन ये अटैच्ड है, इसको देखेंगे तो एक कार्बन ये अटैच्ड है, एक कार्बन ये अटैच्ड है, एक ग्रुप ऊपर फ्रुक्टोज में और एक ग्रुप नीचे है जहाँ एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, इसमें दो ऐसे ग्रुप हैं जो 1 डिग्री हैं, फ्रुक्टोज में दो हैं। ग्लूकोज में देखेंगे, ग्लूकोज में
इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, सिर्फ ये ग्रुप जो ग्लूकोज में है जिसमें एक कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है और इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो ये फ्रुक्टोज में दो हुआ और ग्लूकोज में एक हुआ। करेक्ट ऑप्शन इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अंडरगोज डाइस टू प्रोड्यूस C3 फ्रेगमेंट। अगर आप ठीक से देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस को तो ये रिट्रोएल्डोल रिएक्शन होता है। ये आपको रिएक्शन दिखाते हैं हम। ये रिएक्शन है, इसमें रिट्रोएल्डोल जब कन्वर्जन होता है तो ये 3 कार्बन ग्रुप में फ्रेगमेंट हो जाता है। ये है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन ये रिट्रोएल्डोल जैसे ही होता है कन्वर्जन, ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर फंक्शन यूनिट प्रेजेंट इन द NADH। स्ट्रक्चर देखते हैं NAD का, ये NAD+ है और ये NADH है। अंतर यही है, एक एच यहाँ पर है, यहाँ पे 2H है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पायरीडीन। ये पायरीडीन रिंग है और ये NADH में डाहाइड्रोपायरीडीन रिंग है। तो ये पूछ रहा है NADH के बारे में, इसलिए डाहाइड्रोपायरीडीन होगा। अब पिरिमिडीन और पायरीडीन में क्या अंतर है, पायरीडीन में एक नाइट्रोजन होता है, पायरीमिडीन में 2 नाइट्रोजन होता है। जो यहाँ स्ट्रक्चर NAD के पास है, इसमें एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसलिए पायरीडीन है। इसमें भी एक नाइट्रोजन है, इसलिए पायरीडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंप्लीटली रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अंडरगोज 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, 2 बार रेप्लिकेट करता है इन ए नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव है और वो नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करता है, 2 बार रेप्लिकेशन करता है। इसको 2 कलर से हम लोग देखेंगे तो अच्छा होगा। मान लेते हैं कि ये रेड कलर का ये रेडियो एक्टिव डीएनए है। अब जैसे ही ये रेप्लिकेट करेगा, ये स्ट्रेन हाफ हाफ होगा, एक स्ट्रेन यहाँ आएगा, एक स्ट्रेन यहाँ आएगा। लेकिन जब इसमें नया नॉन रेडियो एक्टिव ऐड होगा, मान लेते हैं ग्रीन कलर का नॉन रेडियो एक्टिव है, ये स्ट्रेन यहाँ बनेगा नया स्ट्रेन और एक न्यू स्ट्रेन यहाँ बनेगा। जब ये फिर अलग होगा, ये एक ग्रीन कलर का बनाएगा और एक रेड का अलग होगा। इधर चली जाएगा, एक रेड का बनाएगा और एक ग्रीन का। नया जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो ऑल ग्रीन हम लोग सब पूछ किए हैं। एक स्ट्रेन इसमें भी लगेगा, एक स्ट्रेन इसमें भी लगेगा, एक स्ट्रेन इसमें भी लगेगा और एक स्ट्रेन इसमें भी लगेगा। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है हाफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन द नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव नहीं है और ये भी रेडियो एक्टिव नहीं है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ये सही ऑप्शन है। दूसरा है ऑल 4 मॉलिक्यूल कंटेन द रेडियो एक्टिव, ये गलत है, नहीं है चारों, इसमें नॉन रेडियो एक्टिव है। 3 out of 4 मॉलिक्यूल कंटेन द रेडियो एक्टिव, 3 नहीं है। रेडियो एक्टिव इज लॉस्ट फ्रॉम ऑल द मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस एन इन्वर्जन इन वन मेंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम विल मोस्ट लाइकली लीड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। जब भी इन्वर्जन होता है इस तरह का होमोलोगस पेयर में, तो हमेशा वो डिलीशन देता है, डिलीशन या डुप्लीकेशन, यही दो कंडीशन आता है। तो इसमें ऑप्शन 2 है ऐसा, डिलीशन और डुप्लीकेशन का। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आता है। ये मियोसिस प्रोफेज 1 है, मान लेते हैं ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी और ये डी है। अगर इन्वर्सन होगा इसमें, एक नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं समझने के लिए कि ये एक पेयर है, ये सिंगल है, लेकिन ये इन्वर्जन हो रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे दोनों स्ट्रैंड का, होमोलोगस का, क्योंकि मियोसिस की बात कर रहे हैं। यहाँ ये पार्ट ए है, बी है, सी डी ई, और ये इन्वर्जन क्रोमोजोम है, इसी के कारण क्रॉसिंग ओवर में इन्वर्जन होगा। फिर तो ये होमोलोगस पेयर बनाएगा, तो होमोलोगस ए के साथ ए आएगा, बी के साथ बी आएगा, सी के साथ सी आएगा, डी के साथ डी आएगा। लेकिन इसमें पहले डी था, बाद में बी था, इसीलिए इन्वर्ट होकर यहाँ पे
लगेगा। तो रिजल्टिंग में क्या हो जाएगा, ये ए के साथ ए आएगा, बी के साथ बी आएगा, इसके बाद सी आ जाएगा, डी ई एफ, ये नॉर्मल है। हो सकता है कि ये यहीं से मिल जाए, ए के साथ बी आए, बी के साथ सी, सी के साथ डी, डी के साथ ए, इन्वर्ट हो गया। इसमें ये वियाबल नहीं होता है, इसमें डिलीशन हुआ, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। ए है, यहाँ पहले ए आया, इसके बाद ये डी आ गया, इसके बाद सी, इसके बाद बी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ, जी, एच, ये वियाबल होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट सीक्वेंस है। यहाँ पे डिलीशन हुआ था, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया। यहाँ देखिए एच है, एच है, जी है, एफ है, ई है, बी है, सी है, डी है, ई, यहाँ भी ई था, यहाँ भी ई है, एफ है, जी है और एच है, ये पोर्शन डुप्लीकेट हो गया है। आइदर तो डिलीशन होता है, हमेशा याद रखना है कि इन्वर्जन में आइदर तो डुप्लीकेशन होता है या तो डिलीशन होता है। इसका ऑप्शन कौन सा है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ये पेयरिंग है, जैसे कि ए बी सी डी है। जब ये इस तरह से इन्वर्ट होगा, आइदर तो ये ए बी सी डी बनाएगा, ऊपर वाला नीचे है, ए बी सी ए बनाएगा, इन्वर्जन हुआ, या तो डी बी सी डी, डी बी सी ए, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ए बी सी डी, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ए बी सी डी, ये डुप्लीकेशन आर्म है, ये डुप्लीकेट हो गया, एक यहाँ, लेकिन इसमें से डी डिलीट हो गया है। उसी तरह से यहाँ ए डिलीट हो गया है और डी डुप्लीकेट हो गया है, ये कंप्लीटली इन्वर्ट हो गया है। ये यहाँ पे ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डी है, बी सी, ये ए यहाँ से यहाँ आ गया है और डी यहाँ से यहाँ आ गया है। हमेशा डिलीशन और डुप्लीकेशन याद रखना इन्वर्जन में। इसका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर, ये है डुप्लीकेशन और डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब डिलीशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस बिटवीन टू ब्लैक लेब्राडोर, जब दो ब्लैक लेब्राडोर में क्रॉस कराते हैं, द फिनोटिपिक रेशियो जो उसका आता है 9 ब्लैक 3 चॉकलेट एंड 4 येलो, मतलब ये 9:3:4 का रेशियो देता है, जो कि ईपी स्टेटिस है, ये तो जानते हैं। आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से है। ए बी बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो ब्लैक कलर का है, इसी को क्रॉस कराना है, 9 आया है इसका वैल्यू। दूसरा जो है चॉकलेट कलर का, ये आया है 3 वैल्यू, और जो येलो है वो आया है 4। तो क्रॉस करा के देखते हैं, तो ये इसका गैमिट बना, ए ए ए बी ए बी ए बी, उसी तरह से इधर का गैमिट है। तो अगर किसी में भी, इसमें ए कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, मतलब ये ब्लैक है, इसमें ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, ब्लैक है, इसमें ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, मतलब किसी में भी जिसमें एक ए कैपिटल हो और एक बी कैपिटल हो, वो ब्लैक फिनोटाइप देता है। सिर्फ अगर ए कैपिटल हो, इसका 3 रेशियो है, चॉकलेट कलर का देता है, सिर्फ अगर ए कैपिटल हो, इसमें ए कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है, इसमें ए कैपिटल है, और अगर किसी में सिर्फ बी कैपिटल हो, ए कंप्लीटली रिसेसिव हो, ये येलो कलर का देता है। ऐसा 9 जो है इसमें ब्लैक हो जाएगा, 3 चॉकलेट कलर का और 4 येलो कलर का होगा। ये एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स है, मतलब ये ईपी स्टेटिस है, इसको कहते हैं हम लोग ये ऑप्शन 4। तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन डोमिनेंस क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने का मतलब है कि ये रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, अगर रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं, तो ना तो ये रेड हो पाता है और ना ही ये व्हाइट रहता है, थोड़ा ये भी डोमिनेट होते हैं, थोड़ा ये भी डोमिनेट, लेकिन कंप्लीट डोमिनेशन किसी का नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेशन। इसका रेशियो क्या आता है, 1:2:2:1, इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो दोनों बराबर ही आता है। कुछ इंट्रैक्शन है, जैसे कि
नॉर्मल क्या है, 9:3:3:1 आता है डायहाइब्रिड में। अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस होगा तो 12:3:1, रिसेसिव एपिस्टेसिस होगा तो 9:3:4। यही हम लोगों का ऑप्शन था अभी। अगर डुप्लीकेट जीन तो 9:6:1, अगर डोमिनेंट जीन होगा तो 15:1। ये रेशियो आप याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्लांट विथ ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप फ्रॉम ए ट्रा हाइब्रिड ए बी बी सी सी। पैरेंट है इसमें ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हमें जो प्रोजेनी चाहिए वो है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो बहुत ही इजी तरीका इसको करने का, समझिए कि अगर मोनोहाइब्रिड है तो इसमें क्या क्या आता है, ए ए ए ए ए एंड ए। इसकी रेशियो आती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4 की। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने का, 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 का। अब इसमें अगर बी जोड़ते हैं, डायहाइब्रिड करते हैं, उसी तरह हर एक कैपिटल ए कैपिटल ए के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कैपिटल कैपिटल बी की 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी का 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी का 1/4। फिर उसी तरह हर एक कैपिटल ए स्मॉल ए में सेम प्रोबेबिलिटी होगी सबकी, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जैसे 4 × 2 = 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8। वैसे ही अब हम लोग ए ए बी बी और सी सी को निकालेंगे कि कितना है। आइए फिगर से आपको बताते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्योंकि ये ऐसे आता है, इसका 1/4, इसका 1/4 और इसका 1/2, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसमें से डायहाइब्रिड में अगर आएंगे, इसकी 1/4 है, इसका 1/2, इसका 1/2। हमारा जो प्रोजेनी है वो कहता है कि जो चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, मतलब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे। अब इसमें से फिर तीन तरह का होगा, 1/4 इसका, 1/2 इसका, 1/4 इसका। तो आगे सी का क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कैपिटल कैपिटल, ये कैपिटल और स्मॉल है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 × 4 × 2 2 × 4 × 2 कितना हो गया, 16 16 की 1/16 का प्रोबेबिलिटी है कि ए ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1/16। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में 1/16 नहीं है। 1/16 कहने का मतलब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4/64, यानी 64 में से 4 प्रोजेनी होगा, जो कि ए नंबर का ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल प्राइमर फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है इसका नेचुरल प्राइमर टी आर एन ए होता है। तो ये ऑप्शन 4 है। आपको दिखा देते हैं फिगर से कि कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है आर एन ए ट्यूमर वायरस में। ये आर एन ए ट्यूमर वायरस है, यहाँ टी आर एन ए आकर बाइंड करता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन है टी आर एन ए, आप इसको देख सकते हैं टी आर एन ए, ये टी आर एन ए का स्ट्रक्चर है, ये आके बाइंड करता है और फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिमेट्री ऑफ डी एन ए डी नेचुरेशन री नेचुरेशन। डी नेचुरेशन और री नेचुरेशन को लोग कॉट वैल्यू से डिनोट करते हैं, कॉट हाफ वैल्यू। अगर आप कॉट हाफ वैल्यू याद होगा आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी के। आपको दिखा देते हैं, कॉट हाफ इंडिकेट करता है टोटल लेंथ बेस पेयर में डिफरेंट डिफरेंट सिक्वेंस का कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर होता है। तो कॉट हाफ ऑफ ए जीनोम बाय कॉट इकोलाई एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम बाय 4.2 × 6। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम हम लोग निकालते हैं
कॉट हाफ के वैल्यू से। इसका मतलब, और ये आप देख सकते हैं कि कॉट हाफ का वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम का। ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कर्व ही कॉट वैल्यू कॉट कर्व कहलाता है। आप देख सकते हैं यही है कॉट कर्व। तो ये डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन है। तो कॉट कर्व हम लोग देख रहे हैं कि ये इस फॉर्मूला से कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इसका ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज सी सेक्टिंग एलिमेंट, क्यू इज ट्रांसेक्टिंग एलिमेंट। एक सी सेक्टिंग है और एक ट्रांसेक्टिंग है। सी सेक्टिंग एलिमेंट कहने का मतलब है कि एक अगर डीएनए सीक्वेंस है वो सेम जीन पर सेम डीएनए पे काम करता है, उसको कहते हैं सी सेक्टिंग एलिमेंट। ट्रांसेक्टिंग मतलब वो डिफरेंट में भी काम करता है। तो ऑप्शन से ही हम लोग पता कर सकते हैं, इनहांसर जो होता है वो सी सेक्टिंग एलिमेंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो ट्रांसेक्टिंग एलिमेंट होते हैं। ये ऑपरेटर सेम जीन पर ही काम करता है, प्रोमोटर ऑपरेटर दोनों सेम जीन पे। ये सी सेक्ट में ये भी सीस है और ये प्रोमोटर भी सीस है, लेकिन कहता है कि पी सीस है और क्यू ट्रांस है। ये ट्रांस नहीं है, मतलब ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिज्म द अमाउंट ऑफ डीएनए पर हैप्लोइड जीनोम इज अबाउट 1.6 × 10⁻¹. 10⁻⁹ है प्लस। गिवन दैट द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग द डबल हेलिक्स कुड बी फॉर्म फ्रॉम दिस डीएनए। सिंपल है, एक न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, टोटल न्यूक्लियोटाइड है 1.6 × 10⁻¹. कितना लेंथ हो गया, 1.6 × 10⁻¹ × 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.44 × 10⁻¹ एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में है और ये हैप्लोइड के लिए, अगर डिप्लोइड की बात करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.88 × 10⁻¹. ये एंगस्ट्रॉम है, आंसर दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻¹⁰ से, तो 10⁻¹⁰ है और 10⁻¹⁹ है, एक डिजिट ये इधर आ जाएगा, बैक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 मीटर। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, 1.1 है। तो 0 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1.1 मीटर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फ्लोरोसेंट डाई इज इंजेक्टेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट कैन फ्लोरोसेंस सिग्नल बी ऑब्जर्व। अगर आप ईआर में कुछ डालते हैं तो वो ईआर में तो रहेगा ही रहेगा, गोल्जी में भी जाएगा और न्यूक्लियर इन्वेलप में भी जाएगा, क्योंकि आप अगर फिगर में देखेंगे ईआर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप का ही एक्सटेंशन है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप से ही बनता है। ईआर में डालने से न्यूक्लियर इन्वेलप में भी जाएगा, और जब प्रोटीन बन ईआर में तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द गॉल्जी बॉडी। तो जब कोई चीज आप फ्लोरोसेंट ईआर में डालते हैं तो ईआर में भी रहेगा, गॉल्जी में भी रहेगा और न्यूक्लियर इन्वेलप में भी जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी द 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एन ए के करेक्ट। अगर आप लोग बात करते हैं एन ए प्लस के प्लस एटी पेज का, इनडायरेक्टली ये वॉल्यूम को ही मेंटेन करता है, लेकिन ये मेंटेन करता है रेस्टिंग पोटेंशियल को भी। लेकिन यहाँ दिया ऑप्शन में कि जनरेटिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल, ये मेंटेन करता है, और जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। और 2 नंबर में ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट एन ए के आयन डाउन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट। ये रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट से सिर्फ नहीं करता, हमेशा ये एन ए प्लस को बाहर ले जाता है और के प्लस को अंदर करता है, ये इसका फंक्शन है। इसका एक्चुअली आंसर जो होगा वो 4 होगा, इनडायरेक्टली रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी इसका रोल है, जो कि ये वॉल्यूम सेल का मेंटेन करता है।
रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली द फॉलोइंग अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड दो तरह का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एक ओ लिंक्ड दूसरा एन लिंक्ड। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें ओ ग्रुप होंगे, ऐसा अमीनो एसिड जिसमें ओ ग्रुप हो, या ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एन एच ग्रुप हो, वही ग्लाइकोलेशन करता है। तो एक एक करके देखते हैं स्ट्रक्चर। ये है आपका अर्जिनिन, इसमें भी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है क्योंकि इसमें एन एच है। दूसरा है सेरीन, सेरीन में भी ओ ग्रुप होता है, ओ एच होता है, इसलिए ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है और ये ओ लिंक्ड है। थ्रोनिन भी करता है। अर्जिनिन में भी एन एच ग्रुप होते हैं, लेकिन अर्जिनिन एक्चुअली में अमीनो एसिड है ही नहीं, ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये अमीनो एसिड नहीं है। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग अमीनो एसिड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जिनिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इट्स रीजेनरेट द डॉटर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज रीजेनरेटेड इन द डॉटर सेल। कौन सा है? गॉल्जी बॉडी, ये डिसअपियर होता है सेल डिवीजन के समय में और फिर से रीअपियर हो जाता है डॉटर सेल में। सेल डिवीजन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। सेल डिवीजन का वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी सेल डिवीजन पढ़ सकते हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोलाई मिसमैच ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के समय मिसमैच हो गया, इसको करेक्ट किया, करेक्टेड बाय द मिसमैच रिपेयर, MMR के द्वारा इसको करेक्ट किया गया। फॉर दिस द MMR प्रोटीन डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरेंट एंड डॉटर स्ट्रेन। ये जो प्रोटीन है वो डिफरेंट होगा पैरेंट में और डॉटर में, इसको कैसे करेंगे? आइडेंटिफाइंग द मिथाइलेशन ऑन द डॉटर स्ट्रेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सभी DNA जो होते हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं, जो भी ओल्ड DNA होगा वो मिथाइलेटेड होगा, जो न्यूली स्ट्रैंड होगा वो जस्ट तुरंत मिथाइलेशन नहीं हुआ होगा। तो जो ओल्ड स्ट्रैंड होगा उसमें मिथाइलेशन होगा, जो न्यूली होगा उसमें नॉन मिथाइलेटेड होगा। आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, आइडेंटिफाई द मिथाइलेशन ऑन डॉटर स्ट्रैंड, नहीं मिथाइलेशन नहीं होगा उसमें। आइडेंटिफाई द मिथाइलेशन ऑन द पैरेंट स्ट्रैंड, ये है। आइडेंटिफाई द मिथाइलेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड, ये नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द लैक ऑफ मिथाइलेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन। अब इसका सेम खोजना है कि कौन सी इससे मैच करता है। तो ये क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, इसमें से रेगुलेटरी जीन सिर्फ यही है साइन डायगोनल सीक्वेंस, और ये ट्रांसक्रिप्शन है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है, ऑप्शन यही होना चाहिए। दूसरा है DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन, राइबोसोम ट्रांसलेशन, DNA रेप्लिकेशन, लेकिन प्रमोटर जो है वो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, DNA सीक्वेंस है, और साइन डायगोनल सीक्वेंस भी एक DNA सीक्वेंस है। एक बार देखते हैं, ये प्रमोटर जो होता है वो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर यहाँ होता है जीन में शुरू में, प्रमोटर रीजन यहाँ से यहाँ तक है। साइन डायगोनल सीक्वेंस क्या है, साइन डायगोनल सीक्वेंस जो है वो राइबोसोमल बाइंडिंग यूनिट को दर्शाता है, वो साइट है, ये भी एक DNA सीक्वेंस है, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वन, ये भी DNA सीक्वेंस है, ये भी DNA सीक्वेंस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर सेल इन द इनर ईयर एक्ट एज रिसेप्टर फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूज। इनर सेल का जो हेयर होता है वो मैकेनिकल थिंग्स को आइडेंटिफाई करता है। कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये इनर ईयर है, इसके कोकलिया में इनर स्ट्रक्चर में हेयर होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है,
ये मैकेनो ट्रांसडक्शन करता है, मैकेनो ट्रांसडक्शन के द्वारा ये डिटेक्ट करता है मूवमेंट को, मतलब ये मैकेनिकल थिंग्स को डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से जो होता है। टेम्परेचर नहीं होगा, केमिकल नहीं होगा, ओरिएंटेशन नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर इन फैटी एसिड सिंथेसिस। पूरा अगर आप फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस देखेंगे, उसमें रिडक्शन भी होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, उसमें फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, ये इवेंट नहीं होता फैटी एसिड सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड दैट कैन एक्ट बोथ एज एसिडिक एंड द बेसिक नेचर इन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर ये है लाइसीन, ये है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका पीएच 7 के करीब होता है, मतलब ये एसिड की तरफ भी आ सकता है और बेस की तरफ भी हो सकता है। इसका पीआई भी अप्रोक्सीमेट 7 होता है और हिस्टिडीन बफर के तरह एक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी में। इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो हिस्टिडीन होगा। एस्पार्टिक एसिड भी देख लेते हैं ये है, लेकिन ये एसिडिक नेचर का होता है, हिस्टिडीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस कैटलिस्ट इन द पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस बाय द कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन का जब यूज होता है तो ये हिस्टिडीन को यूज करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी को, सेरीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज हिस्टिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा फॉस्फेट लेवल एटीपी। तो हम लोग देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। ये एटीपी है, एटी में ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा है और ये गामा फॉस्फेट है एटीपी का। कहता है कि अगर एटीपी में गामा फॉस्फेट लेवल्ड है और इसको डीएनए फ्रेगमेंट के लिए निक ट्रांसलेशन में यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। लेबलिंग ऑफ 5 स्ट्रैंड इन, लेबलिंग ऑफ 3 स्ट्रैंड इन, लेबलिंग ऑफ 3 एंड 5 स्ट्रैंड इन, नो लेबलिंग ऑफ डीएनए। 5 डैश से 3 डैश, यहाँ पे फॉस्फेट होता है, यहाँ पे ओएच होता है, ये तो ठीक है, लेकिन डीएनए जब बनता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही काम में आता है। आप देख सकते हैं फिगर में सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही काम में आता है, बीटा और गामा का कोई यूज होता ही नहीं है उसमें, इसलिए कोई भी लेवल नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नो लेवल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक डीएनए पॉलीमरेज डिफर फ्रॉम द लिनो फ्रेगमेंट इन हैविंग। लिनो फ्रेगमेंट का जो एक्टिविटी होता है 5 डैश टू 3 डैश पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, लेकिन इसमें 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होता, ये लैक होता है लिनो फ्रेगमेंट में। और यही चीज होता है टैक पॉलीमरेज में, इसमें 5 डैश टू 3 डैश पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी दोनों तरफ से होता है। तो ये ऑप्शन किसमें है, 5 डैश 3 डैश पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये तो दोनों में होता है, 5 डैश 3 डैश एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ये जो है सिर्फ टैग पॉलीमरेज में होता है, ये लिनो फ्रेगमेंट में नहीं होता, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए द नंबर ऑफ पोजीशन वेयर द पोलीमराइजेशन मॉडिफिकेशन ओकर। कहाँ कहाँ पोलीमराइजेशन होता है। ये ओपन रीडिंग फ्रेम है, जब इसे ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने के पहले, जब एमआरएनए बनता है उसके पहले इसमें प्रोसेसिंग होता है, 5 डैश प्रोसेसिंग 3 डैश प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग। 5 डैश में कैपिंग होता है, 3 डैश में पॉलीएडेनाइलेशन होता है और स्प्लाइसिंग होता है, इसके बाद ये कंप्लीटली एमआरएनए बनता है। 5 डैश 3 डैश प्रोसेसिंग और स्प्लैशिंग, आइए देखते हैं कि इसमें एडेनाइलेशन कहाँ कहाँ होता है। प्री एमआरएनए एट द 3 डैश नॉन कोडिंग रीजन कंटेन द सर्टेन सीक्वेंस सच एज द AUAAA एट द 20 to 30 फ्रॉम द पॉली ए स्टार्ट। ये एक सिग्नल है, AAUAAA एक सिग्नल होता है जहां से वो ब्रेक होता है और वहां पे पोलीमराइजेशन होता है। जैसे कि ये प्री एमआरएनए है, ये सिग्नल AAUAAA है, ये सिग्नल बताएगा कि यहाँ पे एडिनाइलेशन होगा, यहाँ पे एडिनिन ऐड होगा। अब हम लोग एडिनाइलेशन को समझते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन क्या है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं
जो ऐड करते हैं एडिनिन को थ्री डायसिन पे, इसको कहते हैं पॉली एडिनिलेशन। ये ऐड कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ये फिगर में देखते हैं, हो सकता है ये ऐड करें यहाँ पे एक प्रोटीन, ये भी बनेगा जब इसका ट्रांसलेशन होगा, हो सकता है यहाँ पे ऐड करें, हो सकता है यहाँ पे ऐड करें, हो सकता है यहाँ पे ऐड करें। इसमें इसको कहते हैं अल्टरनेटिव पॉलीएडेनिलेशन। अभी हम लोगों ने जितना बात किया एडेनिलेशन का, वो सभी के सभी न्यूक्लियर पॉलीएडेनिलेशन है। न्यूक्लियर पॉलीएडेनिलेशन का क्या रोल है? इसका रोल है कि ये एक्सपोर्ट करता है न्यूक्लियस से, जब वहां पे एमआरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता है, ये एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद ट्रांसलेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए, चूंकि पॉलीएडेनिलेशन होता है 5' कैपिंग होता है, 3' पे एडिनिन का एडिंग होता है, तो ये स्टेबल करता है उसको। तो ये सभी बातें हैं न्यूक्लियर पॉलीएडेनिलेशन के बारे में। ये साइटोसॉल में भी होता है, फिर रीपॉलीएडेनिलेशन होता है साइटोसॉल में, सेकेंड एक्टिवेशन होता है ये साइटोसॉल में होता है। एक होता है न्यूक्लियर में जिसको हम लोग न्यूक्लियर पॉलीएडेनिलेशन कहते हैं न्यूक्लियस में, दूसरा होता है साइटोसॉल में। ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोट एमआरएनए आर पॉलीएडेनिलेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ एनिमल रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन एमआरएनए। जो हिस्टोन एमआरएनए होता है सिर्फ उसी में पॉलीएडेनिलेशन नहीं होता है, बाकी सभी एमआरएनए में पॉलीएडेनिलेशन होता है। दीज आर द ओनली एमआरएनए इन यूकेरियोट दैट लैक्स ए पॉली ए टेल एंडिंग इंस्टेड ऑफ स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द प्यूरीन रिच सीक्वेंस। अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनिलेशन क्या है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के बाद रीपॉलीएडेनिलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। इसमें कुछ एनिमल सेल्स होते हैं जैसे कि जर्म लाइन, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, और पोस्ट सेनेप्टिक साइट होते हैं नर्व सेल के, वहां भी होता है। इन अर्ली माउस एम्ब्रियो साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनिलेशन ऑफ द मैटरनल आरएनएस फ्रॉम द एग सेल अलाउ द सेल सर्वाइव। इसी से सेल सर्वाइव करता है। अगर ब्रेन की बात करेंगे, नर्व सेल में भी होता है ये पोस्ट सिनेप्टिक साइट पर, तो साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनिलेशन इज एक्टिव ड्यूरिंग द लर्निंग एंड कुड प्ले ए रोल इन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लिए ये नेसेसरी है, विच इज स्ट्रेंथिंग ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम द नर्व सेल टू द अनदर रिस्पॉन्स टू नर्व इम्पल्सेस एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन। ये मेमोरी फॉर्मेशन या लर्निंग के समय ये एडिनेशन फिर से होता है, तो साइटोप्लाज्म में री एडिनेशन होता है। तो जो पॉलीमरेज यूज होता है एडिनेशन के लिए, मे बी कि वो सेम हो न्यूक्लियर से, वहां आरएपी होता है, या वो हो सकता है साइटोप्लाज्म पॉलीमरेज जो कि GLD2 होता है। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनिलेशन का एक और रोल है कि डिग्रेडेशन में मदद करता है। बहुत सारे नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं जैसे कि tRNA, rRNA, snRNA, snoRNA। इसमें जब पॉलीएडेनिलेशन होता है तो ये डिग्रेडेशन को चले जाते हैं, इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है एटलीस्ट इन ईस्ट। द पॉली ए टेल हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन ह्यूमन आरआरएनए फ्रेगमेंट बोथ द फॉर्म ऑफ होमोपॉलीमेरिक, होमोपॉलिक मतलब सिर्फ ए, या हेटरोपॉलीमेरिक मतलब ए यू ए हो सकते हैं। कंप्लीट डिस्कशन से हम लोगों को ये पता चला कि ये दो ऐसे पॉसिबल साइट्स होते हैं जहां पे पोलिनेशन होता है, जब प्री आरएनए से मेच्योर एमआरएनए बनता है, दूसरा होता है जब रीपॉलीएडेनिलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। कंप्लीटली इसको दो सेंस से दे सकते हैं, तो इसका आंसर 2 होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।